राजस्थान के सांचौर सहित तमाम जिलों में अभी तेज बारिश की रफ्तार जारी है और पश्चिमी राजस्थान के गुजरात बॉर्डर से सटे सांचौर जिले के अलग अलग कोनों में सांचौर शहर सहित तमाम इलाकों में तेज रफ्तार से बारिश हो रही है और बारिश के दौरान नदियों के नाले और तमाम जो गलियां हैं वो तेज रफ्तार से पानी से भरी हुई चल रही है। और अभी मैं सांचौर की बड़ी अपडेट बड़ी खबर आपको देना चाहूं तो सांचौर शहर के नगर परिषद की क्षेत्र में जिनगर कॉलोनी के अंदर से जब बारिश तेज रफ्तार हो रही थी उसी दरमियान नाले और नदी जो नाले और जो सड़क के ऊपर से तेज रफ्तार से पानी बह रहा था उसी दरमियान 40 वर्ष से अधिक एक युवा की व्यक्ति उस पानी में से पैदल चल रहा था उसी दरमियान उसका पैर फिसल गया और पैर फिसलने से वो पानी के साथ बह गया और पास ही में नगर परिषद द्वारा जो गंदे पानी की निकासी के लिए जो नाले बनाए हुए हैं वो बड़े नाले थे उस नाले के अंदर वो गिर गया। जैसे ही पैर फिसला नाले के अंदर गिर गया और नाले खुले होने के कारण वो युवक बाहर वो व्यक्ति बाहर नहीं निकल पाया। जैसे ही वो पैर फिसला उसके अंदर बह गया और तेज रफ्तार से पीछे से बारिश का तेज पानी आ रहा था तमाम पूरे शहर का तेज रफ्तार से पानी वहां पर आ रहा था। मैं आपको दिखाना चाहूं कि किस तरह से ये पानी आ रहा था। देखिए मैं सहयोगी से कहूंगा एक बार तस्वीरें दिखाई। देखिए लोगों के घरों के पास से तेज रफ्तार से इसी जगह से तेज पानी आ रहा था और ये जो रास्ता आपको दिख रहा है मैं सहयोगी से कहूंगा युग एक बार हटे ये जो रास्ता आपको दिख रहा है इसी जगह से तेज रफ्तार से पानी चल रहा था और जैसे ही युवक इस रास्ते को पार कर रहा था वो व्यक्ति इस रास्ते को पार कर रहा था उसी दरमियान उस युवक का उस व्यक्ति का पैर फिसल गया और जो ये पास ही में जो आपको नाला दिख रहा होगा मैं नाला दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए इससे पास में नाला है और पीछे की तरफ से पूरी बबूल की झाड़ियां हैं उन बबूल की झाड़ियों के अंदर वो युवक इस गंदे पानी के अंदर कहीं फंस गया। अब नालियों का ऐसा बताया जा रहा जो यहाँ के लोग हैं कि उस व्यक्ति का उस सही दरमियान पैर फिसल गया था। जैसा ही उसका पैर फिसला तो नाले में गिरा या आगे का जो पानी है जो कीचड़ है जो बबुल की झाड़ियां हैं उसमें कहीं ना कहीं वो फंस गया है। करीब 1 से 2 घंटे का वक्त बीत चुका है लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन नगर परिषद की तमाम टीमें उस व्यक्ति को ढूंढने के लिए लगी हुई है लेकिन अभी तक एक भी चुराग नहीं मिला है। कहीं ना कहीं इस व्यक्ति की जान जाने या इस व्यक्ति की ऐसी हालत होने के लिए नगर परिषद जिम्मेवार है क्योंकि जो नाले जो खुले पड़े हैं बड़े बड़े नाले जो गंदे पानी की निकासी के लिए बनाए हुए हैं वो नाले कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के लिए जान जोखिम में डालने जैसा हो चुका है। तमाम लोगों से मैं अपील करना चाहूंगा एक बार इस वीडियो को शेयर करें और इस बारिश के मौसम में नदी और नालों से दूर रहें। तेज बहाव के क्षेत्र तेज रफ्तार से जहां पानी चल रहा उस जगह से जरूर दूर रहिएगा। ओम प्रकाश चौधरी सांचौर।